हाय गाइस, स्वागत करता हूँ आपका इस गेम गार्ड की चैनल की एक और नई वीडियो में। तो गाइस, आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट की। जो मेरा पिछला वाला वर्ल्ड था वो कुछ कारण से डिलीट हो गया, मैं उसको भी कंटिन्यू करने कर रहा था, पर अभी कर रहा हूँ इस वाली नहीं। और गाइस, मैं बिल्कुल सर्वाइवल में खेल रहा हूँ। पिछली बार कुछ बंदे बोल रहे थे कि तूने क्रिएटिव में बनाया, तो भाई जी देख लीजिए, अगर आप इसको सर्वाइवल से क्रिएटिव में करोगे तो वहाँ पर आपको अचीवमेंट पूछेगा। और कहीं भी कोई मोड ऑन नहीं है, मैं कोऑर्डिनेट ऑन कर लेता हूँ अपने, और जैसे आप इसको क्रिएटिव में करना चाहोगे तो देखिए टर्न ऑफ अचीवमेंट कर देगा। तो मैं इसको गो बैक कर देता हूँ, और इस वर्ल्ड का भी मैं नाम अभी सोच रहा हूँ कुछ रखूँगा यार। तो अपनी वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। तो भाई जी, सीन ये है कि आपने मेरे हाथ में कुछ सामान देख लिया होगा वीडियो शुरू करने से पहले। वही सीन कुछ ऐसा है कि मेरा जो इस रिकॉर्डर है ना, वो थोड़ा अच्छे से रिकॉर्ड नहीं, कभी कभी रुक जाता है बाद में, और जब मैंने अभी देखा तो ये रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। वैसे मैंने पहले बहुत ज़्यादा भाषण दे दिया था, तो मेरा मन नहीं कर रहा था यार रिकॉर्ड करने का, क्योंकि इतनी वीडियो चली गई थी मेरी, लगभग 2-3 मिनट की गई थी, ज़्यादा नहीं गई थी। तो अभी मैंने इतना सामान इकट्ठा कर लिया, और अभी मैं कुछ शेल्टर ढूंढूंगा सबसे पहले, या तो शीप को ढूंढूंगा। और मैं यहाँ पे स्पॉन हुआ हूँ, कौन सी बाय में भाई, यहाँ पे पैरेट हैं। अबे यार, मुझे तो पैरेट को टेम करते हैं, वैसे मुझे इस बायम का नाम नहीं पता, अभी याद नहीं आ रहा है। तो ये खा ही नहीं रहा है भाई, अच्छा ये वाले खाते हैं। तो भाई पहला हमारा पैट आ चुका है, तोता राम, इसका नाम भी रखेंगे कुछ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका नाम सुजेस्ट कर सकते हो। वो हमारी पीठ पे बैठ चुका है ये। अभी दूसरा भी उधर, उसको भी करते हैं टेम, उधर हो जाएगा तो जो इसको भी चल करते हैं टेम। और गाइस, सब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक, वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये भी हो चुका है टेम भाई, तोते नहीं जाऊँगा मैं यहाँ से भर भर के। वैसे मैं इसी बायोम में सोच रहा हूँ अपना घर बनाने का, आई थिंक इस बायोम का नाम जंगल, हाँ गाइस जंगल बायोम है ये, मुझे अभी याद है। तो जंगल बायो में हम अपना घर बनाएंगे। और तोता कितना बेवकूफ़ है यार, भाई उड़ा भी नहीं जाता इससे यार, क्या बेवकूफ़ प्राणी है ये। तो ढूंढते हैं कोई जगह ये घर बैठ ले, भाई ये नहीं बैठने वाला भाई साहब। तो वहाँ पे ट्राइडेंट वाला भी है एक, वैसे अभी तक मैंने कुछ बनाया तो नहीं है, तो बना लेते हैं अपने लिए हथियार वथियार पहले, इसको आने देते हैं। आ जा भाई, आ जा, बैठ जा। चलो मैं इनको साथ में लेके जाऊंगा, चाहे जितनी मर्जी देर लेट हो जाऊं मैं। तो पहले तोड़ लेते हैं कुछ वुड्स, तो टाइम लगेगा उनमें भी। और भाई जी, मैंने अपनी आयरन कॉलम वाली वीडियो पे कमेंट देख रहा था बहुत दिनों से, तो भाई बंदे बोल रहे हैं फेक है। भाई नहीं है फेक यार वो, मैं आपके सामने लाइव में बना के दिखा दूंगा आपको कभी ना, तब आप यकीन करना। तो भाई जी, आप बना के तो देखो यार, पूरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करना, विलेज वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर लो कहीं पे, अगर विलेज नहीं है और फ्लैट में तो मत बनाना उसे कभी भी। जैसे मैं इस वीडियो की बात कर लेता हूँ, तो हम बना लेते हैं यहाँ पे एक स्टिक्स, और बना लेंगे अपने लिए तलवार तो नहीं बनाऊंगा या पिकैक्स बनाते हैं, क्योंकि पिकैक्स से स्टोन खोदेंगे और स्टोन का सीधा बनाएंगे हम। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, पूरा देखिएगा यार, मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ सर्वाइवल पे तो बंदे देखते ही नहीं हैं यार, इसलिए मैं अपनी ये वाली सीरीज थोड़ी कंटिन्यू नहीं करता, नहीं तो अगर बंदे देखें यार, क्योंकि बनाने का भी फ़ायदा नहीं यार, मेरा भी टाइम वेस्ट होता है। इससे अच्छा मैं आपके लिए ट्यूटोरियल ही बना दूं कोई। तो तोड़ लेते हैं पहले यहाँ से ये स्टोन्स। तो भाई अभी मैंने स्टोन जो है तोड़ लिए हैं, अभी उनके बना लेते हैं हम थोड़े से हथियार वथियार। तो दूसरा तोता कहाँ चल गया, अच्छा यहाँ पे है। वैसे मैंने इनको खोना नहीं चाहता यार, और जरूरत पड़े तब खो भी देंगे। वैसे मुझे नाइट सर्वाइव करने के लिए यहाँ पे थोड़े टूल बनाने पड़ेंगे, और एक तलवार बना लेते हैं अपने लिए ताकि हमें सर्वाइविंग थोड़ी सी हेल्प हो। वैसे स्टिक्स बनानी पड़ेगी हमें पहले, ज़्यादा तो मैं बनाऊंगा नहीं यार, आई थिंक एक्स एक्स को तो रहने देते हैं फिलहाल के लिए, बाद में बना लेंगे अपन। पहले भाई पिक एक्स बन जाए यार, सॉरी तलवार। तो हमने बना ली अपनी स्वॉर्ड फर्स्ट, और ये हमारे आयरन के सॉरी स्टोन के टूल। तो क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ते हैं और देखते हैं इस बायोम से बाहर निकलते हैं या इसी में बनाऊँ यार सोच रहा हूँ, पर पहले मुझे ढूंढनी है शीप। तो ढूंढते हैं शीप को पहले, अगर यहीं कहीं मिलती है तो। जैसे यहाँ पे वो भाई साहब ट्राइडेंट वाला भी है, तो इसको मारते हैं, देखते हैं अगर इससे हमें ट्राइडेंट मिल जाता है। वैसे किस्मत अच्छी हुई तो मिल भी सकते हैं। आ जा भाई नज़दीक, मुझे नहीं लगता ये पास आने वाला है, तो अपन ही चलते हैं वो। चलो भाई डैमेज कुछ ज़्यादा कर दिया, पर पता नहीं तो हम प्रो हैं तो हमें नहीं मार पाएगा वो। चलो चलो, गोल्ड भी हमें मिल चुका है इससे, पर ट्राइडेंट ही मिला यार, ये तो पड़ा है यार, उठा नहीं सकता मैं। नीचे वाला लॉक खोदता हूँ कहीं भाई। वो भाई साहब एक और आ गया भाई, मरना नहीं चाहता यार, निकल लो निकल लो निकल। भाई मुझे लगता है ट्राइडेंट से मारा गया, पर कोई बात नहीं, देखेंगे जो भी होगा बाद में लेंगे बदला। वैसे मुझे दिख तो नहीं रहा है अभी यहाँ पे कोई भी, तो देखेंगे यार।
कौन होगा? आ जाओ यार मूर्ख। तो भाई कितने मूर्ख हैं यार, उड़ा भी नहीं जाते इनसे, इतने हल्के हैं ऊपर से। और भाई जंगल वायु में तो तुत्तों की कमी नहीं होगी, मैं छोड़ के भी चला जाऊंगा इनको। नहीं यार छोड़ेंगे नहीं, अपने पहले पैटेंगे ये तो, देखेंगे कोई ना कोई इनके लिए जुगाड़ आते रहेंगे। भाई टेलीपोर्ट तो हो सकते हैं भाई हर जगह ये, या तो मारते हैं एक लंबी सी जंप, चलते हैं आगे। वो यहाँ पे वाटर मेलन भी है, वैसे मेलन ही बोलते हैं इनको। तो एक एक्स बना लेता हूँ मैं अपने लिए इनको तोड़ने के लिए पहले। तो क्राफ्टिंग टेबल आ जा भाई, ये नखरे बहुत कर रहा है। तो एक्स बना लेते हैं यहाँ पे, एक्स मैंने इसलिए बनाया था कि यार स्पीड में काम हो जाए, क्योंकि हमें शिप को भी ढूंढना है या विलेज मिल जाए या शिप, तो इनको उठा लेते हैं। आ जा भाई दूसरा कहाँ पे, वो दूसरे यहाँ पे, तो आ जाओ, आ चुके होंगे हमारे कंधों पे। अभी वाटर मेलन को तोड़ लेते हैं हम। तो भाई जी क्रीपर भी आ रहा है भाई, बहुत देर होगी मुझे ढूंढते ढूंढते यार, लेकिन ना कोई हाउस मिला और ना कोई शीप। पता नहीं यार इसमें शीप स्पॉन भी होते कि नहीं। और भाई ये मेरे तोते ना क्रीपर के फूटने की आवाज़ निकाल रहे हैं, जो ऐसे वो फूटने से पहले करते नहीं वैसे। भाई साहब इधर बोले, तो आ चुके हैं हम इधर, तो बाद में आना। तो आज रात का ठिकाना पेड़ पे करते हैं, सुबह मिलते हैं देखते हैं। तो भाई नाइट तो मैंने जैसे ना जैसे जैसे मतलब स्पेंड कर ली या सर्वाइव कर ली, जो भी आप बोल सकते हो। भाई ये पेड़ ही टूट रहा था यार, मैं थोड़ा ज़्यादा नीचे, और भाई जी यहाँ पे एक ट्राइडेंट वाला भी आ गया था यार, उसने बहुत ज़्यादा डैमेज किया मुझे। अभी देखते हैं नीचे वो भाई, नहीं यार गिरना नहीं था भाई, जब देखो यार गिर जाता है ये, वैसे गिरने में गलती भी मेरी है। तो अभी ढूंढते हैं यहाँ पे, मुझे लग रहा है यार मैं एक ही जगह पे घूम रहा हूँ तब से। वैसे वहाँ पे है वो ट्राइडेंट वाला, तो चलिए देखते हैं ट्राइडेंट वाले को, वैसे हमारा बिगाड़ तो कुछ नहीं पाएगा। ये बात सीड लेके हमें मारने आ रहा है, ये तो गिफ्ट देने आ रहा था बेचारा, चलो हमने मार ही दिया इसको। तो ये तो मार ही जाएगा, मर गया। अब इसको देखते हैं, आ जा भाई मार ले, हट हट। ओ भाई साहब दो हेल्थ, निकल निकल यार जल्दी जल्दी जल्दी। भाई यार छुपन छुपाई कर रहा है मेरे पेड़ के पीछे ये भी। अबे नहीं यार मार दिया, चलो कोई बात नहीं, हमारी पहली डेथ थी यार, होता रहता है ऐसा कभी ना कभी। साहिलवार स्टिल, भाई ये तोते यहाँ पे कैसे आ गए यार टेलीपोर्ट होके? इसका मतलब मेरा सामान थोड़ा आसपास ही है, क्योंकि अगर तोते टेलीपोर्ट हो गए तो सामान तो हमारा आसपास ही होगा, तो उसको भी ढूंढते हैं, देखते हैं कहाँ पे मिलता है। तो भाई अभी भी वही वाला सीन हो गया था यार, मेरे रिकॉर्डर ने रिकॉर्डिंग करना बिल्कुल बंद कर दिया था भाई जी। और मैं इतना ज़्यादा बका ना, और मैं इतनी दूर से आया ना, मुझे मेरा सामान भी वहीं पर, और ये नीला तोता भी मैंने यार टेम किया है, क्योंकि मुझे थोड़ा अलग वाला भी करना था, एक और अलग कलर वाला था, 5-6 कलर वाला, तो उसको मैंने गलती से हिट कर दिया। तो भाई यार मुझे इतना गुस्सा आ रहा है यार, इसलिए तो मैं ये बनाता नहीं हूँ यार सर्वाइवल के वीडियो। पर एक बंदा कह रहा था यार बनाओ, तो मैंने इसलिए सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट की है। अगर आप में से कोई बोलेगा कोई वीडियो तो मैं बना दूंगा, उसमें कोई चिंता नहीं है। तो अभी ढूंढते हैं हम यहाँ पे, मैं शीप को ढूंढूंगा सबसे पहले, तो उन्हीं को ढूंढना हमारा वर्क है। क्योंकि अगर यार बेड मिल जाए ना, तो नाइट स्पेंड करना बहुत अच्छा हो जाता है, और नाइट में हमें ज़्यादा ही खतरा होता है, सुबह में इतना खतरा नहीं होता। तो ढूंढते हैं भाई, मेरे तोते आ रहे हैं नीले वाला। भाई यार मैं बार बार रिकॉर्डर चेक कर रहा हूँ अपना, कि कहीं रिकॉर्डिंग करना बंद ना कर दे भाई यार, इसलिए तो वीडियो ढंग से बन नहीं पाती यार मुझसे। तो निकलते हैं इस जंगल से, देखते हैं कोई रास्ता मिलता है या नहीं। तो भाई बहुत ही ज़्यादा चलने के बाद हमें यहाँ पे मिल चुका है एक सर प्लेन सा लैंड कह सकते हैं हम इसे कुछ भी, और भाई सामने शिप भी है। तो भाई मैं सोच रहा हूँ मैं अपना घर यहीं पे बनाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुली जगह है, और हमारा जंगल बायो भी पास में ही है, तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी अगर जंगल को कुछ चलाना होगा। तो अभी तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, और शिप मिल जाए, और ये तोते भाई जो आपको मैं कैच कर लूँगा बाद में, दो तो बैठे हुए हैं। अभी ढूंढते हैं कुछ यार अपने लिए। नहीं यार यहाँ पे तो पिगी, और ऊपर देख रहे हो आईलैंड कैसे ऊपर हवा में लटक रहा है। तो पिगी खाना दे दे यार हमें। तो मुझे लगता है आज की नाइट भी मुझे नीचे स्पेंड करनी पड़ेगी, ज़मीन के अंदर ही आ भी रहे हैं बंदर यार। तो गाइस चलते हैं ज़मीन के नीचे और देखते हैं नीचे, आई थिंक जाते आयरन मिल जाता तो कितना मज़ा आता। ऊपर से उसको बंद कर देते हैं डर्ट से, वैसे मेरा यार एक पैरेट बाहर ही रह गया, तो उसको बुला लेंगे हम अंदर, और मैं अपना घर यहीं पे बनाऊंगा। तो इसको खो देते हैं पहले, बना लेते हैं अपना अंदर छोटा सा बेस एक आज की नाइट स्पेंड करने के लिए। तो भाई ये हमारे आज की नाइट स्पेंड करने के लिए छोटा सा बेस, और उसमें मैंने चारकोल डाल दिए हैं, सॉरी और लकड़ी का बनाने चारकोल डाल दिए हैं, लकड़ी बनाने के लिए मतलब ब्लॉक लॉक डाल दिए हैं, जिससे हमें चारकोल मिल जाएंगे। और भाई इनको लग गया थोड़ा सा,
भाई इनको खाना भी नहीं खिला सकते यार मेरे का ऊपर बैठ गए। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और पहले देख लेता हूँ कि मेरे चारकोल बने या नहीं, आई थिंक बन गए होंगे अभी तक तो। तो हमारे चारकोल भी बन चुके हैं, मिलते हैं अगली। और गाइस अगली वीडियो में बनाऊंगा अपना घर, देखते हैं बनता है या नहीं।